स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। और स्माइल मेकर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, अर्थात सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को शुरू करने से पहले इन चारों शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है कि क्या ऐसी वर्तमान में उस समय दैट मीन्स कि इतने वर्ष पूर्व वो क्या परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण पूरी तरीके से समाज और धर्म में हानि हुई, और हानि होने के कारण उसमें सुधार करना पड़ा, और सुधार भी इतना तीव्र कि हमें पूरी तरीके से उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। इससे पूर्व की वीडियो में अगर हम जाएंगे तो आप समझेंगे कि पूरी तरीके से कैसे वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई, और वर्ण व्यवस्था के जटिल होने के कारण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तक की कड़ी तैयार हुई। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई, जाति व्यवस्था जटिल हो गई, तो समाज में पूरी तरीके से उथल पुथल का माहौल था। धार्मिक रूप से इतना द्वंद था कि देवी देवताओं में समाज इतना ज्यादा फंसता चला गया कि वहां से बाहर निकलना पूरी तरीके से असंभव होने लगा। इसके अंतर्गत हमने इसमें सुधार किए, और सुधार करने के बाद तीव्र आंदोलन के बाद 62 बड़े ऐसे दर्शन, ऐसी फिलोसफीज आई, टोटल 62, कि उन 62 बड़े संप्रदायों में दो बड़े संप्रदाय के रूप में बौद्ध और जैन की उत्पत्ति हुई। तो इन्हीं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्मों को। इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज और धर्म दोनों पूरी तरीके से जिस स्थिति में खड़ा है वो स्थिति है हानि पूर्वक। हानि होने के कारण सुधार की आवश्यकता पड़ी, रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ी। और अब इस शब्द को समझते हैं, एक होता है आंदोलन, एक होता है विद्रोह, और एक होता है क्रांति। आंदोलन का मतलब होता है कि वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन। हाल फिलहाल में किसानों के द्वारा जो किया गया था वो ना तो विद्रोह था ना ही वो क्रांति थी, वो एक प्रकार का किसान आंदोलन था। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, वर्तमान व्यवस्था का तख्ता पलट नहीं करना चाहते। मतलब वो जिस चीज में कार्यरत थे उन्हें उस चीज में क्या चाहिए था, एक ऐसा सुझाव कि जिससे पूरे के पूरे किसान वर्ग की समस्या का सुलझाव हो सके। तो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन, तो जो भी परिवर्तन होता है वर्तमान व्यवस्था में वो आंदोलन होता है। तो उस समय वो तख्ता पलट नहीं चाहते हैं, लेकिन समाज की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, धर्म की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, और इन सुधारों के अंतर्गत पूरा वो कार्यक्रम खड़ा करना चाहते हैं ये 62 बड़े संप्रदाय, जिससे कभी भी समाज और धर्म की हानि ना हो सके। तो हम लोग यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे दो बड़े धर्मों को तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही पढ़ेंगे कि उनकी फिलॉसफीज ने किस तरीके से समाज में एक पूरी तरीके से आंदोलन खड़ा कर दिया, और आंदोलन भी इतना तीव्र हुआ कि पूरी तरीके से एक व्यवस्था 16 बड़ी मार्केट, 16 बड़े महाजनपद के रूप में यहां से खड़ी हो जाती है। तो इससे पूर्व अगर चर्चा करें कि क्यों इस आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, तो ये आपको पता चलेगा इससे पहले के लेक्चर में, और इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया गया था कि वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में वो कौन से सामाजिक परिवर्तन हुए थे जिसके कारण पूरी तरीके से समाज और धर्म में आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी थी। समझिए, सोसाइटी में पूरी तरीके से हिंसा व्याप्त है, अर्थात बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। बड़े पैमाने पर युद्ध होंगे तो बड़े पैमाने पर क्या होगी, जनहानि होगी, और जनहानि होगी तो समाज में एक उथल पुथल का दौर होगा। इसी उथल पुथल को शांत करने हेतु लोगों को राह दिखाने वाले 62 बड़े संप्रदाय उभर कर आए, और उन्होंने कहा कि भैया अहिंसा को प्राथमिकता दी जाए, अहिंसा को प्राथमिकता दी जाएगी तो युद्ध बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इस कार्य को अगर वही आदमी कहे जिसके हाथ में शासन है तो फिर बात ज्यादा सटीकता से ग्रहण करने वाला समाज भी खड़ा। भाई
एक बात बताओ, अमित शाह का बेटा वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होकर ये कहे कि किसान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन करे, तो शायद प्रहार होगा बीजेपी सरकार पर एक पूरी तरीके से, क्योंकि समाज में जिस आदमी ने आवाज उठाई वही शासन और सत्ता में किसी ना किसी का बेटा, किसी का पुत्र, किसी का पिता रहा है। तो अगर यह बात करें सामाजिक धार्मिक सुधारों के अंतर्गत, तो यहां भी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध या चार्वाक हो या आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो, उन सभी का जो बैकग्राउंड रहा वो राजघराने से रहा, मतलब शासन और सत्ता की नींव से रहा, शासन और सत्ता को चलाने वाला जो वर्ग था वो पूरी तरीके से क्षत्रिय, और क्षत्रिय ही क्या कह रहा है कि सोसाइटी में जो हिंसा व्याप्त है युद्ध और बैल और बछड़ों की कटाई को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं एक रवैया अपनाया जाए जिसका नाम है अहिंसा। तो तब जाकर इनकी बात को ज्यादा बल मिला और बल मिलने के कारण फिर पूरी तरीके से सोसाइटी उसी अनुरूप खड़ी हुई, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सरल समाज आपने स्थापित किया था वो जटिलता में जब चला गया उत्तर वैदिक काल तक, एक बार वो पुनः सरलता की ओर लौट आया, क्योंकि महावीर और गौतम ने वो राह दिखाई लोगों को जो पूरी तरीके से कर्मकांड या यज्ञ या आपका जो है ब्रह्म सिद्धांत या भगवान देवी देवताओं परमात्मा इन जन सारी चीजों के जंजाल से बाहर निकालकर आपको मुक्ति और मोक्ष का पूरी तरीके से क्या दिखा सकती है, एक रास्ता दिखा सकती है। मतलब वो मार्ग जो पूरी तरीके से आपको जीवन जीते मतलब जीवन के रहते हुए मुक्ति और मोक्ष दिला दे वो ज्यादा बेहतर होगा, या मरने के बाद आपको मुक्ति और मोक्ष मिले वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इससे पहले जो फिलोसफीज हैं उन सारे के सारे फिलोसफीज में ऐसा माना जाता है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, लेकिन यहाँ महावीर और गौतम ने तख्ता पलट कर दिया और ये कहा कि किसी प्रकार का कोई ईश्वर नहीं है, बस संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि संसार में जो भी घटित हो रहा है उन सबके उस सबके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि यदि आप ध्यान मग्न होकर एक जगह बैठ जाएंगे तो शायद आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मार्ग दिखाने वाले कौन, क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म क्या है, शासन करना, और शासन करेगा क्षत्रिय तो पूजा किसकी करेगा, तलवार की। वो हाथ जो तलवार चलाते हैं, वो मुख जिससे केवल युद्ध कौशल कलाएं बाहर निकलती हो, वो मुख अगर उपदेश दे सोसाइटी को तो फिर क्षत्रिय वर्ग पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि एक चीज समझिए, एक चीज बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए कि जाति व्यवस्था का जो ये पिरामिड था, अगर यहां अहिंसा स्थापित हो गई सबसे नीचे के स्तर पर, तो इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर कृषि व्यवस्था में उन लोगों को लौटाया जा सकता है जिसके साथ हिंसा थी, और कृषि व्यवस्था अगर अच्छे खासे पैमाने पर खड़ी होगी तो वाणिज्य व्यापार भी फले फूलेगा, वाणिज्य व्यापार फले फूलेगा तो ऊपर टैक्स अच्छा जाएगा, तो शासन व्यवस्था भी फले फूलेगी, शासन व्यवस्था अगर फले फूलेगी तो नियम कायदे कानूनों को स्थापित करने वाला वर्ग भी पूरी तरीके से फलीभूत होगा, और ये व्यवस्था 1 2 3 4 के क्रम में यहाँ भी राइट होती चली गई, यहाँ भी और यहाँ भी। दूसरी बात ये कि ये जो नियम कायदे कानून है ये समाज के सबसे उच्च वर्ण के लोगों के हाथ में है, और उन्हें ना तो ये चुनौती दे सकता ना ये चुनौती दे सकता, उन्हें चुनौती देने वाला अगर कोई है तो वो केवल और केवल क्षत्रिय। तो अगर तलवार उठाकर गर्दन पर रख दे नियम कायदे कानून बनाने वालों की, तो फिर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक विद्रोह और एक क्रांति में भी घटित हो सकता है। तो विद्रोह का मतलब अपने सामाजिक हितों से प्रेरित होकर अपनी मांग की पूर्ति के साथ उठाया गया शस्त्र विद्रोह है, और पूरी तरीके से किसी भी चीज का तख्ता पलट क्रांति है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में सुधार आपका क्या है, आंदोलन। तो अब इसे चुनौती देने वाला वर्ग केवल क्षत्रिय बचा, और क्षत्रिय वर्ग अगर उपदेश देने लग जाए तो फिर पूरी तरीके से युद्ध कौशल कलाए में युद्ध जो बड़े व्यापक पैमाने पर हो सकते हैं उससे बचा जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो बड़े स्तर पर जनहानि हो रही है उससे भी बचा जा सकता है।
तो शासन व्यवस्था ने किसके पक्ष में उपदेश दिए? सबसे नीचे के वर्ग के। सबसे नीचे का वर्ग जब पूरी तरीके से शासन और सत्ता के साथ जुड़ गया, वाणिज्य व्यापार भी जुड़ता चला गया, तो ये प्लस में हो गए 3 और यहाँ 1 ऋणात्मक जो बचा वो केवल समाज का अपर वर्ग। अब ये तीनों का हुआ महागठबंधन, महागठबंधन। और इसी महागठबंधन ने समाज को वो दिशा दी, समाज को वो दशा दी, जिससे पूरी तरीके से एक बड़े पैमाने पर मध्य गंगा घाटी में एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा कि जो बाजार अभी सीमित है केवल 2-4 किलोमीटर के एरिया तक, वो बाजार पूरी तरीके से विस्तृत होकर यूनान जैसे देश में भी क्या हो जाएंगे, प्रख्यात हो जाएंगे और उनके चर्चे पूरे विश्व के अंदर फैलते हुए चले जाएंगे। इससे संबंधित आप जितना भी जुटा सकते हैं जुटाएं कि जैन और बौद्ध धर्म के खड़े होने का कारण क्या है। कारण यही है कि जो जटिलता समाज में उत्पन्न हो चुकी थी धार्मिक मामलों के अंतर्गत, जो जटिलता स्थापित हो चुकी थी सामाजिक मान्यताओं के अंतर्गत, उसी को आधार बनाकर क्षत्रिय वर्ग का अस्तित्व या उनका खून खोला, और खून भी उस रूप में खोला कि पूरी तरीके से वो तलवार न उठाकर उपदेश देने तक आ गए और उपदेश देकर समाज को वो राह दिखाई जिससे पूरी तरीके से आज महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा को पूरे विश्व के अंदर दो बड़े नास्तिक दार्शनिकों के रूप में जाना जाता है। तो इसी वजह से 62 बड़े संप्रदायों का उदय हुआ। संप्रदाय का मतलब हुआ संप्रदाय, अर्थात धर्म का वो भाग, धर्म का मतलब नियम कायदे कानूनों से होता है जिससे सोसाइटी को गतिशील और संचालित किया जाता है। तो धर्म का वो भाग जो पूरी तरीके से समाज को संचालित करने हेतु सरलता की राह दिखाए। आज व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बहुत सारे पंथ, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धार्मिक शाखाएं अपना अपना प्रचार अपने अपने स्तर पर करती है, चाहे वो निरंकारी बाबा हो, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा हो, चाहे वो आपका आशाराम बापू हो, वो सभी क्या करते हैं, एक संप्रदाय के रूप में अपने अपने मत का प्रचलन कर रहे हैं और वो सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, एक सरलता की राह संचालित करने के लिए सरलता की राह दिखा रहे हैं। माफ करना आशाराम बापू, समझ रहे ना आप लोग शांत रहिए। तो मतलब समझिए कि संप्रदाय क्या होगा, समाज को संचालित करने का वह आया जो उसे सरलता की राह दिखाता है और समाज को पूरी तरीके से एक मुट्ठी में बांधकर उसे वो राह दिखाए जो उसके जीवन को मुक्ति का मार्ग दिखाए। तो ऐसे लगभग 62 बड़े संप्रदाय जो राह दिखाते हैं समाज को उस समय खड़े हुए, और इन्हीं 62 बड़े संप्रदायों को एक बल मिलता चला गया और ये 62 जो संप्रदाय हैं ये कुछ इस तरीके से वर्गीकृत और विभाजित है कि एक और तो आपका आस्तिक विचार आ गए और एक और आपका नास्तिक विचार आ गए। जो ईश्वर पर विश्वास करता है आस्तिक, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता नास्तिक, बल्कि जो ईश्वर की प्रतिपल खोज करता है और तब तक नहीं मानता जब तक वो साक्षात ना कर ले ईश्वर का, उसे ही नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक होने का मतलब कि आपने बस विश्वास कर लिया किसी चीज पर, एक परिभाषा के रूप में अगर समझे, और वो विश्वास ही आपकी आस्था होता है। तो आस्तिक आस्थावान और विश्वासवान होता है, जबकि नास्तिक पूरी तरीके से परिवर्तनवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन को यापन करता है। आस्तिक को आप जैसा बता देंगे कि भैया सूर्य को खा चुके थे कभी किसी रूप में मान्यवर हनुमान जी, तो आप विश्वास कर लेंगे हाँ कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन नास्तिक जब तक खोज ना कर ले, तथ्य ना जुटा ले, तर्कों के साथ उस चीज का खंडन ना कर दे, तब तक वो नास्तिक पूरी तरीके से उस चीज को स्वीकार नहीं करता। और महावीर और गौतम भी कुछ इस प्रकार के ही हटी थे कि जब तक ईश्वर के साक्षात ना कर लिया जाए या जब तक ईश्वर जैसी व्यवस्थाओं को चुनौती ना दे दी जाए,
तब तक चैन से बैठना नहीं है, चाहे इसके लिए 6 वर्ष, चाहे 12 वर्ष, चाहे 1200 वर्ष ध्यान मग्न क्यों ना होना पड़े। तो इन्हीं नास्तिक दार्शनिकों के द्वारा भारत के अंदर पूरी तरीके से धर्म और समाज का तंत्र मंत्र हिला डाला दो आदमियों ने, महावीर और गौतम के रूप में। और यही तंत्र मंत्र जब हिला तो पूरी तरीके से समाज को एक प्रगति मिली, और प्रगति मिलने के बाद कुछ ऐसे विचार दोनों ने बोए इस संपदाओं के रूप में कि भारत इतना फला फूला कि आज भारत को बुद्ध के देश के नाम से जाना जाता है। बल्कि भले ही इनका जन्म नेपाल में क्यों ना हो, यानी कि वो धरती जहां बुद्ध जैसे अहिंसावादी, जहां महावीर जैसे दार्शनिक विचार है, जहां पूरी तरीके से ऐसे विचार फले फूले, वही धरती भारत भूमि है, वही धरती सिंधु भूमि है, और वही धरती हिंदू भूमि है। मतलब कहीं ना कहीं ये संप्रदाय अगर आए हैं तो वैदिक धर्म और कर्म कांड को आधार बनाकर उनकी जटिलता को तोड़ते हुए बाहर निकले, और बाहर निकलने के कारण अपने आप को आस्तिक और नास्तिक में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। आइए समझते हैं कि इसके साथ साथ और अन्य जो विचारक थे वो किस तरीके से फले फूले, के बाद में बात करूंगा आज केवल जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो किस तरीके से समाज पर लागू होते हैं। तो भारतीय दर्शन फिलोसफीज के अंतर्गत दो फिलोसफीज जो आस्तिक और एक नास्तिक के रूप में क्या है, वर्गीकृत है। इससे पूर्व हमने पढ़ा था, डिस्कस भी किया था कि आस्तिक दार्शनिकों में या दर्शन शास्त्रों में या फिलोसफीज में आपकी सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा जैसे तत्व आते हैं, मीमांसा जैसे संप्रदाय आते हैं। वही नास्तिक दार्शनिकों में जैन, बौद्ध और चार्वाक। जैन अहिंसात्मक रवैये के साथ, बौद्ध अहिंसावादी, चार्वाक भौतिकवाद, मेट्रलिज्म। मतलब ये कि यहां अहिंसा पर बल दिया गया तो यहाँ चार्वाक पूरी तरीके से नास्तिक दार्शनिक होते हुए भौतिकवादी दृष्टिकोण के साथ जीवन, मतलब जीवन को यापन करते हैं, और संदेश भी यही देते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर घी पियो। मतलब जब तक भी जियो सुख से जियो, चाहे आपको कर्जे पर घी लेकर क्यों ना पीना पड़े। मरने के बाद कोई किसी का है ही नहीं और आपके सारे कर्जे समाप्त, भले ही वो चुकाने पड़ते हो आपके बच्चों को। मतलब समझिए कि चार्वाक कहना ये चाहते हैं कि भैया जब तक जीवन है तब तक दुखी होने का कोई भी कारण है ही नहीं, और फिर दुखी होने का कारण है ही क्या। दुखी होने का कारण बौद्ध जब बताते हैं, गौतम जब बताते हैं, तो बताते हैं कि आपके दुखी होने का कारण ही आपकी इच्छा है, आपकी लालसा है। जब आप इच्छाओं का त्याग कर दें, लालसाओं का त्याग कर दें, तो शायद जीवन में कोई दुख ना रहे। महावीर स्वामी के कुछ एक अलग मत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जितने भी आस्तिक या नास्तिक दार्शनिक थे वो चाहते थे कि भारत के अंदर के समाज के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को ईजाद किया जा सके, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट समाज पर किए जा सके जिससे समाज वर्ण व्यवस्था जैसी जटिलता से बाहर निकलकर एक शुद्ध और सरल सच्चे रूप में अपने जीवन को क्या कर सके, यापन कर सके। तो कुल मिलाकर जब बात करते हैं जैन धर्म की, तो इसमें कुल धार्मिक गुरु 24 हुए हैं, और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है ऋषभदेव को। यही जैन धर्म के संस्थापक है। अगर सवाल ये आए कि वो इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो आपका आंसर होगा ऋषभदेव। लेकिन अगर ये आए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक के रूप में आएंगे आपके पूरी के पूरे तरीके से महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के ये पहले हैं, और महावीर स्वामी 24वें, इनके अंतर्गत 23 और तीर्थंकर आते हैं जिनकी चर्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगी। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर है, धार्मिक गुरु हैं जिन्होंने जैन धर्म को स्टेबल किया और जैन धर्म के अंदर उन फिलोसफीज को ईजाद किया जो पूरी तरीके से जैन धर्म को
एक ऐसा रूप देती है जिसके कारण जैन धर्म पूरी तरीके से विस्तृत होकर समाज के उस वर्ग तक पहुंच जाता है जहां से फलना फूलना शुरू भी हुआ था। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म ईश्वर की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता लेकिन संसार या संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्मफल में विश्वास करता है, यानी कि जो रिबर्थ थ्योरी है आपकी कि मरने के बाद एक बार पुनः जन्म होता है या आत्मा शुद्ध रूप में फिर कहीं ना कहीं प्रवेश लेती है, तो ऐसा मानना है महावीर स्वामी का। लेकिन ईश्वर की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना यह है कि जब तक आपने स्वयं को जान नहीं लिया हो तब तक आप साधना करते रहे, तब तक आप साधक बने रहे जब तक आपने स्वयं को जान नहीं लिया। और स्वयं को जानना ही वेद है। तो मतलब कुल मिलाकर अब जो पूर्ववर्ती विचारधाराएं थी, जो पूर्ववर्ती सिद्धांत थे, उनका जो पॉजिटिविज्म था, जो सकारात्मकता थी, उसको एडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल और वैदिक सभ्यता की जितनी नकारात्मकता थी उसका त्याग करने के बाद पूरी तरीके से ये कहा गया कि भैया जब तक आप स्वयं को नहीं जान लेते या आप जिन नहीं बन जाते, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, तब तक आप किसी चीज पर बोलने लायक नहीं होते। तो मतलब ईश्वर की वास्तविकता को वो स्वीकार नहीं करते, संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म के कारण ही हमें कर्मों को भोगना पड़ता है, इस बात पर भी पूरी तरीके से महावीर स्वामी क्या करते हैं, बल देते हैं। आइए चर्चा करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की जो महावीर स्वामी और जैन धर्म से बिल्कुल पूरी तरीके से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार की फिलोसफीज वो लेकर आए। अच्छा, एक बात ये कि मैं यहाँ इनके बाल बच्चे बीवी उनसे संबंधित कोई चीज आपको देने वाला नहीं हूँ, कि मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुछ उनके बच्चों का क्या नाम था या माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था। ये बच्चों वाले खेल खत्म कर दिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो मानते ये है कि भैया जो फिलोसफीज हैं महावीर से लेकर बुद्ध से लेकर या उपनिषदों में, उन फिलोसफीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बच्चों को। मतलब कुल मिलाकर एक बात ये समझे कि नरेंद्र मोदी साहब की बीवी या बच्चों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा जो पॉलिसीज इजाद की जा रही है फोकस उन पर होना चाहिए। तो यहाँ इतिहास को पढ़ते हुए दिक्कत ये हो जाती है हम लोगों की कि हम ज्यादा ही धार्मिक हो जाते हैं चीजों को पढ़ते हुए, या बहुत ज्यादा जरूरत जिस चीज की होने की वो बहुत ज्यादा सामाजिक होने की जरूरत है। यहाँ अपने अपने धर्म के हिसाब से चीजों को रख दिया गया। अगर एक बात बताओ कि सपोज दैट कि कोई वर्तमान शासक है और वर्तमान शासक की पत्नी कुछ कर रही है, तो मीडिया तो उसका हवा बना ही देती है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो इम्पोर्टेंट होगा? कतई भी नहीं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा कि जो चीजें घटित हो रही हैं उन फिलोसफी से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब अगर सवाल ये आए कि महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा महाव्रत इसमें जोड़ा गया, तो 24 तीर्थंकर जो थे उनमें 23वें तीर्थंकर तक ये चार चीजें पूरी तरीके से थी। चार चीजें अहिंसा के रूप में, यानी कि हिंसा नहीं करना, सत्य अर्थात सत्य की राह पर चलना, सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति को ग्रहण नहीं करना या संपत्ति को केवल उस रूप में ग्रहण करना जितना आपका जीवन यापन हो सके। जीवन यापन होने के बाद अगर आप भौतिकवादी हैं तो आप जैन धर्म की किसी भी विचारधारा के लायक नहीं है। ऐसे का मतलब होता है चोरी ना करना, और चोरी स्वयं से, यानी कि स्वयं से चोरी ना करते हुए आप पांचवें महाव्रत चौथे महाव्रत का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रिय निग्रह करना, यानी कि पांच प्रकार की जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हें पूरी तरीके से उसका ग्रहण कर चीजों की सटीकता तक जाना, और सटीकता के बाद एक ऐसे जीवन का यापन करना जो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य पर स्थापित।
तो पूरी तरीके से पांच महाव्रत और पांचवें महाव्रत को जोड़ने वाले महावीर स्वामी। तो सवाल यह आएगा कि महावीर स्वामी के द्वारा कौन से महाव्रत को जोड़ा गया था। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर है? 24वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी के बाद कितने और तीर्थंकर हुए? महावीर स्वामी के बाद कोई भी और तीर्थंकर नहीं हुए, चूंकि यही अंतिम है और यही लास्ट है। मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति के लिए, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए थ्री जेम्स, तीन रत्नों की बात की गई। जैन धर्म के अंतर्गत वो तीन रत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सत्य या सत्य, यानी कि आपके द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला ज्ञान क्या होना चाहिए? सत्य। आपके द्वारा ली जाने वाली फिलॉसफी या दी जाने वाली जो फिलॉसफी है या जीवन जीने के जो मूलभूत नियम है वो क्या होने चाहिए? सत्य। आपका जो चरित्र है, आपका जो आचरण है या आपका जो व्यवहार है दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति, उसमें भी सत्यता का भाव होना चाहिए। तो तीन प्रकार के रत्न जैन धर्म में भी पढ़ेंगे आप, और तीनों प्रकार के रत्नों को बौद्ध धर्म में भी पढ़ेंगे। तो तीन प्रकार के रत्न, पांच प्रकार के महाव्रत, इन्हीं फिलॉसफीज के साथ। अब ये देखिए, ये जीवन जीने का सिलेबस कितना छोटा है कि केवल तीन चीज का पालन करें। अगर तीन चीज का पालन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष। और पूरी दुनिया किसकी तलाश के पीछे है? कि किसी भी तरीके से उसे बस क्या मिल जाए? संतुष्टि। और संतुष्टि का ही अर्थ मोक्ष है, कि जब आपने सारे की सारी चीजों के या सारे की सारी भौतिकवादी विचारधाराओं का आपने क्या कर दिया? पूरी तरीके से परित्याग कर दिया, तो तब जाकर कहीं ना कहीं इस इच्छा पूर्ति को लेकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका त्याग मोक्ष की प्राप्ति, इनका पालन मोक्ष की प्राप्ति, इसका पालन मोक्ष की प्राप्ति। तो अब ये इतना जटिल ना होकर एक सरल रूप आ गया, और सोसाइटी इसमें पूरी तरीके से क्या होगी? महावीर के वचनों से प्रभावित। और महावीर ने फिर एक सबसे बड़ी और बेहतरीन चीज क्या स्थापित की? कि पाली और प्राकृत जो आम लोगों की भाषा थी उसे आधार बनाकर उसमें ही अपने उपदेश दे रहे हैं। यानी कि एक बात बताएं, वर्तमान सरकार जो जीती वो जीती किसके बल पर थी? इसके बल पर नहीं, शासक की जो भाषा थी वो क्या थी? हिंदी। और हिंदी भाषी होने के कारण शासक ने ज्यादा प्रभावित किया उन लोगों को जिनकी समझ में क्या आती है? हिंदी। तो मतलब भाषा भी एक महत्वपूर्ण आयाम है चीजों को समझने का और समझाने का। संस्कृत एक जटिल भाषा या विद्वान लोगों की भाषा होने के कारण उस रूप से मतलब अपना समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाए जिस रूप में आमजन और प्राकृत, आमजन की भाषा प्राकृत और पाली के रूप में इन दोनों भाषाओं ने किया। इसी को आधार बनाकर महावीर स्वामी ने पूरी तरीके से संसार को जो है अपने उपदेश दिए, और उपदेश देने के बाद इन दोनों भाषाओं को इतना अच्छा खासा बल मिला कि फिर सारे के सारे जो महावीर या 23 के 23 तीर्थंकर और उनके जितने भी विचारधारा थी वो सारी सजो कर रखी गई पाली और प्राकृत के रूप में। तो जीवन जीने का सिलेबस क्या हो गया? छोटा। तो अब जीवन जीने का सिलेबस छोटा है तो आदमी ज्यादा आकर्षित होंगे। आदमी वो आकर्षित होगा जिसके पास संपत्ति है ही नहीं। भाई मेरे पास तो संपत्ति है नहीं, इसका मतलब क्या करें? महावीर स्वामी के पक्ष में चलो, चोरी मैं करता नहीं हूं, क्योंकि चोरी अगर करूंगा तो मेरे लिए सामाजिक मानदंड इतने खतरनाक है कि मुझे फांसी हो जाए। सत्य है बोलना ये कठिन हो सकता है, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सत्य भी बोला जाता है तो उसमें भी असत्यता का भाव हो जाता है। सत्य का मतलब संपूर्णता और परिपूर्णता से। कई बार आंखों देखी भी क्या है, कई बार आंखों देखा भी झूठ है, और कई बार झूठ भी क्या हो जाता है? सत्य। तो जब तक आपने सत्य को परख नहीं लिया इसके स्तर पर, तब तक सत्य नहीं बोला जा सकता। हिंसा मैं करता नहीं हूं तो मैं पूरी तरीके से क्या कर लूंगा? अडॉप्ट कर लूंगा किस धर्म को? जैन धर्म को, क्योंकि मुझे हिंसा करना नहीं आता, सत्य बोलना आता है, संपत्ति ग्रहण करना नहीं आता, चोरी करना नहीं आता। तो मतलब अगर ये चार पांच चीजें आपके अंदर हैं तो आप जैन धर्म की विचारधारा से जुड़ सकते हैं, और अगर तीन दर्शन आपने पूरी तरीके से अपने अंदर स्थापित कर लिए तो तब जाकर आपको कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एक दिक्कत है, कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु एक कठोर व्रत है, और उस कठोर व्रत का पालन हर कोई नहीं कर सकता। उसका नाम है
संलेखना एक ऐसा वर्ड जिसमें अन्न और जल का तब तक त्याग करना है जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। एक वर्डिक्ट 2015 में सुप्रीम कोर्ट का आया था इस वर्थ पर कि ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करने के कारण इस वर्थ पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाए। वहीं दूसरी ओर जैन धर्म के जो विचारक है उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये मामला हमारे धर्म का है, इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जो पूरी तरीके से मुझे या हमें अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को अडॉप्ट कर उसके यापन की स्वतंत्रता देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका आर्टिकल 25 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 21 जीवन की स्थितियों को और जीवन को यापन करने की स्थितियां स्पष्ट करता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं हो सकता जो मरने के बाद ये कहे कि उसे ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। यहां आज वर्तमान में ये बात भले लागू ना हो संलेखना, लेकिन अन्न और जल का तब तक त्याग करना है जब तक आपकी मौत ना हो जाए। शायद ये उस परिचय में कहा गया होगा कि जब इंसान वानप्रस्थ और संन्यास की ओर जा रहा होगा, कि जब जीवन जीने का कोई खास मकसद आपका रह नहीं गया और मकसद न रहने के कारण आपने क्या कर लिया, पूरी तरीके से अपने आप का परित्याग और पूरी तरीके से अपने प्राणों की आहुति देते हुए आपने कहा कि अन्न और जल का त्याग कर देते हैं भैया, अब हमें सब चीज प्राप्त हो गई और अब टाटा बाय बाय गुड बाय संसार। तो मतलब ये एक ऐसा वर्त है जो पूरी तरीके से आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता था। आर्टिकल 21 का उल्लंघन करने के कारण इस वर्त पर पाबंदी लगा दी गई। भले ही कोई चीज आपके धार्मिक मामलों से संबंधित हो, लेकिन अगर उसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट को आपके पक्ष में आना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो कोर्ट है जो पूरी तरीके से आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो कुछ इस तरीके के सिद्धांत माइंड के द्वारा दिए गए और इन सिद्धांतों का प्रतिपालन कर पूरी तरीके से जैन धर्म का अडॉप्ट किया जा सकता है। समझिए कि अगली कड़ी में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, वो ये कि जैन धर्म में दो मतों का बहुत प्रचलन है। नंबर एक श्वेतांबर और नंबर दो दिगंबर। स्थूल बाहु या स्थूल भद्र इसके संस्थापक हैं और भद्र बाहु दिगंबर के संस्थापक। एक समय ऐसा हुआ कि मगध साम्राज्य के अंदर अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर मगध का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। जिसके कारण जब एक ऐसा काल आया जब पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आ गई सोसाइटी के अंदर, और जब वापस आए पूरी तरीके से भद्रबाहु, तो भद्रबाहु और स्थूल बाहु के मध्य एक विभेद हो गया और इन्होंने कहा कि अगर आप अपने शिष्यों को लेकर उस काल में जो पूरी तरीके से किसका काल है, विखंडन का और विस्थापन का काल है या एक भय का माहौल है जिस समय, और ऐसी परिस्थितियों में साथ छोड़ सकते हैं, तो फिर आपका कोई अडॉप्टेशन जैन धर्म में नहीं है। इसी को आधार बनाकर दो मत आए जिसका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबरों का मत यह है कि जब आप अपनी माँ के गर्भ से निकले तो तब भी नग्न अवस्था में थे, तो जीवन को यापन भी नग्न अवस्था में करेंगे और इस जीवन से अलविदा भी नग्न अवस्था में ही लेंगे। तो वो मत जो पूरी तरीके से आजीवन नग्न व्रत का पालन करता है वो पूरी तरीके से कहलाता है आपका दिगंबर, जो श्वेत वस्त्रों का धारण करता है, श्वेत वस्त्रों का धारण करता है वो कहलाता है आपका पूरी तरीके से श्वेतांबर। तो कुछ इस तरीके से दो मत प्रचलन में आए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। कल की क्लास में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म को। अभी आप केवल इन वीडियो के माध्यम से ये समझ लें
कि ये चीजों का बस एक ओवरव्यू है। जब हम लोग पूरी तरीके से इतिहास को एक इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे या अपनी मैराथन क्लास किसी दिन करेंगे तो चीजों को इतनी गहराई और इतने डीप में ले जाकर करेंगे कि वहां से आप अपने न केवल पेपर के माध्यम से बल्कि जो सिद्धांत अभी दिया स्वामी ने सम्यक ज्ञान का उसमें भी बढ़ोतरी कर पाएंगे कहीं ना कहीं। तो चीजों को समझते रहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि कल जब हम लोग चर्चा करेंगे तो कल पूरी तरीके से बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे और उसमें भी इतना ही समय शायद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम समय में ज्यादा चीजों को पूरी तरीके से आपको दिया जाए। एक सीरीज आपके दिमाग में यह बननी चाहिए पूरी तरीके से कि भारत के इतिहास की शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। भारत के अंदर आर्यों का आगमन होने के कारण वैदिक सिविलाइजेशन और पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन का क्या हुआ उदय? पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन में स्थितियां गड़बड़ हो जाने के कारण क्या हुआ? जैन और बुद्धिज्म का उदय। जैन और बुद्धिज्म के आने से फिर हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं 16 बड़े महाजनपदों को, 16 महाजनपदों को। तो जब लाइव क्लास होगी, अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है, जब लाइव क्लास होगी तब आप एक टॉपिक पर 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या 10 घंटे या 10 दिन या 10 लेक्चर पूरी तरीके से क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो अब इसे समझे इस रूप में कि सामाजिक धार्मिक सुधारों के अंतर्गत महावीर और गौतम के आने से एक क्रांति तो उद्घटित हुई थी समाज के अंदर, क्योंकि उस समय पूरा विश्व ही ऐसी क्रांतियां कर रहा है, चाहे ईरान के अंदर जरथुस्ट हो, चाहे आपका चीन के अंदर कन्फ्यूशियस और लाओस हो, मतलब पूरी तरीके से सारा का सारा जो मामला था पूरी दुनिया के अंदर वो उथल पुथल का दौर था। इसे ऐसा समझिए कि अभी का जो एक दौर है 2021 या 20 का, वो दौर पूरी तरीके से एक परिवर्तन का दौर है। इसमें विज्ञान भी अपने आप की कसौटी पर खरा उतर रहा है, इसमें अध्यात्म भी अपनी कसौटियों पर खरा उतर रहा है और कहीं ना कहीं समाज के अंदर सामाजिक धार्मिक एक सुधार चल रहा है, या धार्मिक सुधार में कहकर इसे आप एक सामाजिक एक क्रांतिकारी सुधार कह सकते हैं कि शायद डार्विन सही थे कि जो जीवन जीने की उपयोगिता में जो श्रेष्ठ है वही जीवित रहेगा, जिसका दिमाग और मस्तिष्क मजबूत है शायद वही बच सकेगा इस महामारी से। अन्यथा मीडिया ने अगर कह दिया कि कोरोना के कारण मृत्यु होती है तो आपके दिमाग ने वो अडॉप्ट कर लिया मृत्यु और आपके शरीर ने उसी अनुरूप ढलना शुरू कर दिया और तब जाकर आपको क्या प्राप्त हो गई, मृत्यु। तो मतलब समझिए कि डार्विन कितने प्रासंगिक थे उस समय और आज कितनी प्रासंगिकता उनकी अच्छे खासे रूप में खड़ी हो गई। महावीर स्वामी ने कहा कि जब इच्छा का विलोपन हो जाए तब भैया खाना पीना छोड़कर आप अपनी खुद की राह पर निकल पड़े, ठीक है। तो मतलब वो लोग इतने विचारवान थे कि अगली कई पीढ़ी को वो अपने एक कोटेशन या अपने शब्दों में बयान कर सकते थे। तो समझिए कि ये एक परिवर्तन का दौर हो सकता है, वो भी एक परिवर्तन का दौर था, ये भी एक परिवर्तन का दौर है कि इज्जत है, शोहरत है, हसरत है, उल्फत है, कोई भी चीज दुनिया में नहीं रहती बाबू मोशाय, जहां मैं आज हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। तो कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।